हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले लीनिंग की स्ट्राइक फेदर शटल, जो कि मैंने अमेजोन से ली थी। तो ये मेरे को अंडर ₹1000 मिली। तो सबसे आज देखते हैं कि ये कैसी शटल है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। देखो, अनबॉक्स करोगे तो आपको ब्रांड मिल जाएगा, लिखा रहेगा लीनिंग स्ट्राइक शटल। जैसे आप उसको ओपन करोगे आपको एक QR कोड मिलेगा, वहाँ पे नीचे ऑथेंटिसिटी इसकी आप चेक कर सकते हो। उसकी वेबसाइट पे आपको भेजेगा, आपको वहाँ पे जो इसमें कोड लिखा होता है उसको एंटर करना है, तो आप वो दिखा देगा कि आपका रियल है कि नहीं। तो आप ये चेक कर सकते हो, ये अच्छा चीज़ है। और इसके MRP पे देखो लिखा हुआ है ₹1490। तो हाँ, ऑलमोस्ट अराउंड 1500 के आसपास है। और जो मुझे मिली है अमेज़ॉन से वो ₹930 मिली। यस, मुझे ₹930 की अमेज़ॉन से मिली है। सेल में मैंने लिया था तो उस हिसाब से प्राइस मुझे अच्छा लग रहा था कि ठीक है, 12 पीसेज में 930 काफ़ी अच्छा प्राइस लग रहा था। तो मुझे लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शटल बहुत अच्छी होगी। और इस पर देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ है चाइना, क्योंकि लीडिंग चाइना का ब्रांड है। और इसका लिखा है मंथ ऑफ इम्पोर्ट November 2022। तो एक साल पुरानी शटल है, मैंने इसको November 2023 में ली है। तो एक साल, ऑलमोस्ट एक साल पुरानी है। और इस पर लिखा हुआ है 77। तो ये स्पीड होता है शटल का, तो 77 मतलब होता है मीडियम, जिसमें एलिवेशन और स्पीड इसका मीडियम रहेगा, ना स्लो रहेगा ना फास्ट रहेगा। और इसका जो टेम्परेचर अराउंड होता है वो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो कंट्रीज होती हैं उनके लिए परफेक्ट होता है 77 स्पीड। तो मुझे लगा इसका फेदर का जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिफॉर्म्ड है, अच्छी नहीं लगी मेरे को। क्वालिटी ऑफ द शटल भी मेरे को काफ़ी लो लगी। आप जैसे इसको होल्ड करोगे तो आपको फील अच्छा नहीं है, शेप थोड़ा डिसेंट है, लेकिन जो इन्हें फेदर यूज़ किया वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का। आप जैसे होल्ड करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी लाइट वेट है, और मतलब देख के पता चलेगा इसमें उतनी पावर या क्वालिटी नहीं होगी। अब मैं आता हूँ बैडमिंटन कोर्ट, वहाँ पर चेक करता हूँ। तो अब मैं वापस आ गया कोर्ट से, अब इसका कंक्लूजन पे जाते हैं। तो देखो फेदर की क्वालिटी जैसा मैंने कहा था पहले काफ़ी लो है, 2-3 रैली में आराम से शटल ख़राब हो जा रही है। मुझे लगा था थोड़ी सी कम से कम ऑलमोस्ट 6 रैली तो चलनी चाहिए थी कोई शटल। और इसमें सबसे ख़राब मुझे बात ये लगी कि इसका एलिवेशन भी सेम नहीं, कोई शटल बहुत फास्ट जा रही, कोई शटल स्लो जा रही, कोई मीडियम जा रही। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ख़राब इसका एलिवेशन भी, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और इसको देखो मेरे को केवल एक मैच में 3 सेट खेलने में पूरा इनका 12 पीसेस यूज़ हो गया, तो मुझे लगता है बिल्कुल वर्थ नहीं है। देखो ये है बिफोर एकदम नहीं, और ये देखो आफ्टर। तो देखो केवल 2 रैली के बाद इसका ऐसा कंडीशन हो गया है। तो मुझे लगता है काफ़ी बेकार इसके हिसाब से, 1000 के हिसाब से। तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 1 out of 10। जी हाँ, बहुत ख़राब शटल है, आप बिल्कुल वेस्ट होगा आपका ₹1000, मत लीजिएगा। चाहे इसको आपको सेल में ₹800 के आसपास मिला फिर भी आप इसको मत लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।